दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या अब 12,50,000 से अधिक हो गई है। भारत की बात करें तो अब तक भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 4,000 के पार हो गई है। भारत में कोरोना वायरस से अब तक 100 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मरीज मिले हैं। इस बीच मुंबई के वरखाट अस्पताल में एक सप्ते में 26 नर्स और 3 डॉक्टरों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया, जिसके बाद बीएमसी ने इस अस्पताल को संक्रमित क्षेत्र घोषित कर दिया। किसी को भी अस्पताल में आने या यहां से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये पाबंदी तब तक रहेगी जब तक इन सभी लोगों की 2 बार जांच नहीं की जाती और जब तक इन सबके टेस्ट नेगेटिव ना आ जाए। बता दें कि ये अस्पताल मुंबई सेंट्रल इलाके में स्थित है। इस अस्पताल में कार्य करने वाली 26 नर्स और 3 डॉक्टरों को कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद 270 नर्स और कुछ अन्य रोगियों के नमूने जांच के लिए भेजे गए। जिन लोगों का टेस्ट नेगेटिव आएगा उन्हें अलग रखने की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन अस्पताल के कार्य का संचालन पहले की तरह जारी रहेगा। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्पताल के कुछ कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि संक्रमण तेजी से फैल गया क्योंकि प्रबंध ने नर्स के सहयोगियों और रूममेट्स को अलग अलग नहीं किया था, वो सब साथ में ही रह रहे थे। वहीं यूनाइटेड नर्सेस एसोसिएशन ने कहा कि लक्षणों के उभरने तक किसी भी नर्स का टेस्ट नहीं किया गया था। साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस रोगियों के संदिग्ध होने के बावजूद पीपीई किट नहीं दिए गए। हालांकि अस्पताल प्रबंध ने इन सारे आरोपों को खारिज किया है। इस पर एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर सुरेश ने बताया, ये बहुत ही दुखद है कि कोरोना के इतने मामले मेडिकल सेवा में लगे लोगों में मिले हैं, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर्स की एक अगुवाई में टीम बनाई जाएगी जो इस मामले की जांच करेगी कि नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टरों में कोरोना वायरस का संक्रमण आखिर कैसे हुआ। साथ ही एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ दिन पहले ही इस अस्पताल में एक मरीज को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। इस मरीज को सीने में दर्द की शिकायत थी। जांच में पता चला कि ये मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित है और ये आदमी 4 दिन तक इस अस्पताल में रहा था। संभावना है कि इस रोगी की वजह से अस्पताल के अन्य लोगों को भी कोरोना वायरस हो गया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 750 से अधिक हो चुकी है। इनमें से अधिकतर मरीज मुंबई के रहने वाले हैं। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना वायरस से संक्रमित की संख्या 110 के अधिक पहुंच गई है। राज्य में अब तक कोरोना वायरस से 50 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी हैं।